रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने नागरिकता संशोधन बिल और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अभिषेक राणा ने कहा कि बीजेपी नेता इतनी महंगाई होने पर भी बयान दे रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हालात कितने खराब होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय की पूरे देश के अंदर धज्जियां उड़ी हुई हैं और वित्त मंत्री प्याज के महंगे होने पर बेतुके बयान दे रहे हैं, तो इसे सहज ही पता लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार को लोगों की कितनी चिंता है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने नागरिकता संशोधन बिल और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अभिषेक राणा ने कहा कि बीजेपी नेता इतनी महंगाई होने पर भी बयान दे रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हालात कितने खराब होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय की पूरे देश के अंदर धज्जियां उड़ी हुई हैं और वित्त मंत्री प्याज के महंगे होने पर बेतुके बयान दे रहे हैं, तो इसे सहज ही पता लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार को लोगों की कितनी चिंता है। अभिषेक राणा ने कहा कि अब एनआरसी और सीएए के नाम पर लोगों के साथ छल किया जा रहा है और देश की जनता को लाइनों में खड़े होकर अपने आप को भारतीय साबित करना होगा। उन्होंने जिन गरीबों को अपने आधार कार्ड को बदलने के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं, वो अपने दादा परदादा के नाम को लेकर लाइनों में लगकर नागरिकता साबित करने के लिए धक्के खाएंगे। सर, मैंने अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी कहे, और जिस जो भी हालात हैं, महंगाई इतनी ऊपर कभी हुई भी नहीं, जो अभी आंकड़े हैं महंगाई के, आप मुझे ये बता दीजिए कि इतनी महंगाई पहले हुई है कभी? जो करेंसी रेट, डॉलर रेट, अर्थव्यवस्था और जीडीपी जितनी गिर रही है, पहले कभी हुई है इतनी? और कमाल की बात यह है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह भी कह दिया है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हैं, आप उनके भी उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ताकि थोड़ी आसानी से समझ आए बीजेपी वालों को भी, कि उनके नेता ये कह रहे हैं कि अभी शुरुआत, आने वाले समय में और हालात खराब होने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, सहयोगी दल भी हैं, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है वो लोग भी हैं, बड़े बड़े देश के और विदेश के अर्थशास्त्री, उन्होंने भी कह दिया है कि अभी और खराब होने हैं। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है, सरकार को साल पूरा नहीं हुआ, ये हालात हो गए हैं, वित्त मंत्रालय की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं पूरे देश के अंदर। तो अब सवाल तो सारा वित्त मंत्रालय से इन चीजों को हटकर जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब जिस देश की वित्त मंत्री ये कह रही है कि प्याज का पता नहीं, मैं तो खाती नहीं हूँ, वो देश के लोगों को क्या समझाएगी? ये हालात हो गए हैं देश के, तो इन सवालों से बचने के लिए अब ये सवाल लागू किए जा रहे हैं, ताकि आप जैसे हम जैसे लोग हैं लाइनों में खड़े होकर कागज इकट्ठे करें, अपने आप को पहले इस देश का नागरिक साबित करें, और नहीं हो पाएंगे ना आप, तो ये भी कानून है कि जो साबित नहीं हो पाएगा उसके लिए डिटेंशन सेंटर जो बने हैं उनको वहां भेज दिया जाएगा, ताकि आप थोड़ा टाइम अंदर रहिए और लीगल लड़ाई लड़ती रहिए। अमीर आदमी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जिसको अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराने में इतनी दिक्कत हो जा रही है, वो अपने दादा परदादा के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आएगा?